पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले फरवरी महीने से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वो शंभू बॉर्डर के खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। उनके पास 6 महीने का राशन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर रास्ते में कहीं पर भी सरकार की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो वहीं पर धरना शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की होगी। डल्लेवाल अन्य किसान नेताओं के साथ कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वो कूच करेंगे, क्योंकि बारिश, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प ट्रॉली ही होती है। इनमें रेडी टू मूव घर तैयार करवाए हुए हैं। ये भी कहा कि कूच में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उनको सामान समेटने में समय लगेगा, लेकिन दिल्ली कूच पर वो अटल हैं, क्योंकि इसी के लिए ही उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। गाँव में इसके लिए विशेष तैयारी भी की जा रही है। पंजाब के बठिंडा और हरियाणा के सिरसा से किसानों का एक बड़ा जत्था खनौरी बॉर्डर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से वो कोई मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करवाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से इस में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, यहां तक कि बॉर्डर पर पहले की तरह सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि बीजेपी सरकार ने रोका है, और अब भी हरियाणा सरकार द्वारा रास्ता न खोले जाने पर व्यापारियों को भी किसानों का साथ देने के साथ बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। किसान नेता ने यह भी कहा कि 300 मीटर पंजाब की तरफ बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसलिए बॉर्डर खोलने का आदेश पंजाब सरकार के लिए भी है। डल्लेवाल ने कहा कि आज उन्होंने अंबाला एसपी ऑफिस का घेराव करने की तैयारी की है और बुधवार को सुबह अनाज मंडी में सभी एकत्रित होंगे और उसके बाद ही एसपी ऑफिस के लिए कूच करेंगे। वो नौजवान किसान नवदीप सिंह जलबेड़ा की रिहाई के लिए भी घेराव कर रहे हैं और वीरवार को उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा, यानी कल भी उनका प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। शुभकरण की शॉटगन से मौत पर हरियाणा की तरफ से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस भी शॉटगन का इस्तेमाल करती रही है। पूरे मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। डल्लेवाल ने कहा कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला हमने लिया है और देश भर में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इससे पहले 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली में होना है। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी है और उनसे मुलाकात कर संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के जो तमाम मांगे हैं उस पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में घर घर जाकर दोनों मोर्चों के पदाधिकारी किसानों और मजदूरों को जागरूक करेंगे। 15 सितंबर को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें लाखों किसान शामिल होंगे। तो किसानों ने अभी अपना जो कार्यक्रम है उसको लेकर ऐलान कर दिया है और दिल्ली कूच के लिए उनकी तैयारियाँ शुरू हो गई है। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।